अभी तक दोस्तों आपने परांठे के संग अंडा खाया होगा या एग रोल खाया होगा। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दोस्तों इंस्टेंट स्पेशल एग छिलर रोल, जो डिलीशियस तो है ही बेहतरीन नाश्ता भी है। नमस्कार, मसाला भाई माला के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए ले लेंगे कुछ सब्जियां। सब्जियां तो जितनी खाई जाए उतनी कम, तो इसके बहाने काफ़ी सब्जियां पेट में चली जाती हैं। मैं शिमला ले लूँगी, दो तरह की शिमला यूज़ कर रही हूँ। आपके पास तीन तरह की शिमला हो, तीनों कलर की कलरफुल सब्जियां हमें खानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ग्रीन एंड येलो यूज़ किया है। आधा कप शिमला बारीक काट लेंगे, ऑनियन काट रही हूँ मैं। मैंने सारी सब्जियां बारीक काट ली हैं, सब्जियां बारीक ही काटनी है। हरी मिर्ची ले लेंगे, इसमें मिल्क का यूज भी हो रहा है, धनिया का यूज भी हो रहा है, कुछ चटपटा सा बनाने के लिए चिली फ्लेक्स से लेकर सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे, देखेंगे आगे, वीडियो मिस मत कीजिएगा। ले लेंगे एग, यहाँ पर टोटल चार अंडे ले रही हूँ मैं। एक बाउल लेके अंडों को फोड़ लेंगे और दोस्तों इसमें मिला लेंगे अपनी बारीक कटी हुई सब्जियों को, जो है बेहतरीन और हेल्दी। सब्जियाँ तो हेल्दी होती ही हैं, सारी सब्जियाँ। प्याज डाल लेंगे, प्याज भी आधा कप टोटल, शिमला मिर्च भी आधा कप, और हरी मिर्च मैंने दो बारीक काट के ले ली। मैंने 1/4 कप ले लिया हरा धनिया। यहाँ दोस्तों मैंने टोटल 1 कप दूध लिया है और अभी मैंने आधा कप दूध डाला इसके अंदर। इसको इस तरह से फेंट लेंगे। अब डाल लेंगे यहाँ पर 1 कप दोस्तों मैंने मैदा यूज़ किया है। थोड़ा मैदे से ये है कि टेस्ट अलग बनता है। आप थोड़ा और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा की जगह अगर आप चाहें तो आपके पास रागी का आटा है या कुछ है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही हेल्दी बन जाएगा। यहाँ पर मैंने दोस्तों ये देखिए जो दूध था बचा हुआ वो भी ऐड ऑन कर दिया। ये देखिए 1 कप तकरीबन दूध इसके अंदर ऐड ऑन हो गया है। सबसे बड़ी बात है इसको हमें जो इसकी टेक्सचर रहना चाहिए ना, वो थोड़ा सा लिक्विडी है। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स। इससे क्या होगा जो हमारा टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस हो जाएगा और लगेगा टेस्टी टेस्टी टेस्टी। थोड़ा सा सॉल्ट एज पर टेस्ट, इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसका जो कंसिस्टेंसी है, पोरिंग रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी वाला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो पोरिंग मतलब हल्की सी लिक्विड ही रहेगी जिससे हमको बनाने में आसानी रहेगी। गैस ऑन करके रख लिया हमने पैन, पैन में डाल लिया 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब ये देखिए इस तरह से जैसे अंडा हम अंडे को फेंट के डालते हैं उसी तरह से अंडा जैसा रहता है, उसी तरह से इसको हमने डाल लिया। और अब छीले की तरह इसको मैंने अपने पैन में फैला के और दोनों तरफ से उलट पुलट के 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम पर अपना सेक लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंस्टेंट एग छिलर रोल तैयार हो गया। ये देखिए कितना टेस्टी, बेहतरीन, और बच्चों के मुंह में तो जरूर पानी आ जाएगा। इसको आप टिफिन में भी दे सकते हैं, नाश्ते में भी दे सकते हैं, और अपने चाहे तो लंच में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको पलट लिया मैंने, ये देखिए गोल्डन हो गया, एक तरफ से दोनों तरफ से गोल्डन हो जाएगा तब ये प्रॉपर सिक जाएगा। इस तरह से करके हम सारे अपने एग छिला को बना लेंगे। बस इसको प्लेट आउट कर लेंगे, ये बन गया इंस्टेंट, जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत टाइम लेने वाला काम नहीं है। तो ये मैंने सेकंड छीला बना रही हूँ। ये देखिए इसको मैंने पलट लिया है, गैस हमारा लो एंड लो मीडियम पर चलता रहेगा। बस इसको प्लेट आउट कर लिया मैंने। एक टिफिन ले लिया, टिफिन में मैं इसको फोल्ड करके रख लूंगी। ये आप अपने बच्चों को इस तरह से फोल्ड करके दे सकते हैं, केचप के संग भी दे सकते हैं, चटनी के संग भी दे सकते हैं, बड़ा बच्चा है तो, छोटा बच्चा है तो केचप के संग दीजिए और साथ में एक फ्रूट रख दीजिए, तो ये नाश्ता प्रॉपर नाश्ता माना जाता है। तो आपका ये तैयार है एग छिला रोल। अब चलिए मैं इसको प्रॉपर रोल बना के दिखाती हूँ। ये मेरे घर में सब्जी तैयार थी पनीर की, तो मैं आपके घर में कोई भी सब्जी हो वो भी आप इसके जगह स्टफ़ कर सकते हैं, इनफैक्ट पनीर को मैश करके भी इसके अंदर डाला जा सकता है। तो ये मैंने सब्जी तैयार अपने एक एग छीला पे फैला लिया, हल्का सा कच्चा प्याज की डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ा सा सॉस, सॉस की जगह चटनी भी इस्तेमाल हो सकती है और चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी मेयोनीज भी डाल सकते हैं अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं। सब्जियाँ अपनी पसंद के हिसाब से डालिए, पालक की सब्जी हो गई, कोई भी सब्जी इसके अंदर स्टफ कर सकते हैं। इसको दोनों तरफ से मोड़ के ये हमारा एग छिला रोल तैयार हो गया। ये देखिए आया ना मुंह में पानी, वाओ, जस्ट वाओ। तो दोस्तों आपके नाश्ते के लिए बेहतरीन एग छिला रोल तैयार है। बस
और दोस्तों जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए सबको दिल से आभार।